नमस्कार, न्यूज ऑन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से खबर, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। बता दें कि बीजेपी ने एक निजी होटल में मीडिया सेंटर तैयार किया है, जिसका उद्घाटन आज सीएम धामी ने किया है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने मिलकर आज इस मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया है। सभी ने मीडिया सेंटर का जायजा भी लिया है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। एक निजी होटल में बीजेपी ने मीडिया सेंटर तैयार किया है, जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री ने किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया, साथ ही इस सेंटर का जायजा भी लिया। बता दें कि बीजेपी ने एक निजी होटल में इस मीडिया सेंटर को बनाया है, जहां से आगामी चुनाव के लेकर तैयारियों से जुड़े तमाम कार्यक्रम होंगे। और बता दें कि इसी मीडिया सेंटर से चुनावी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई और इसी कड़ी में मीडिया सेंटर का शुभारंभ हुआ। चलिए इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ सुदीप जैन जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सुदीप जी, मीडिया सेंटर का शुभारंभ आज देहरादून में हो गया है, बीजेपी लगातार चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मीडिया सेंटर कहें या मीडिया वॉर रूम कहें, इसे तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार और कई पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये बीते विधानसभा चुनाव में भी इसी स्थान को चुना गया था, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का बलबीर रोड का दफ्तर है, वहाँ महत्वपूर्ण बैठकें शुरू होंगी तो वहाँ मीडिया को बहुत स्पेस नहीं मिल पाता है। तो बीते विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने प्रयोग किया था, जो कि सफल रहा, और इस लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने यह प्रयोग किया है। देखिए, कल से नामांकन पत्रों की बिक्री का काम शुरू होने वाला है। कल 20 मार्च है और भारतीय जनता पार्टी ने 23 मार्च से नामांकन की शुरुआत कर दी है। 23 मार्च को पार्टी का प्रत्याशी अल्मोड़ा सीट से जो अजय टमटा है, केंद्रीय मंत्री भी रहे, उनका नामांकन होना है। 23 से 26 तारीख तक की सारी जो तैयारी है वो पार्टी ने पूरी कर ली है। 27 तारीख को नैनीताल में अंतिम नामांकन होगा, जो पार्टी की नैनीताल सीट से प्रत्याशी हैं अजय भट्ट, उनका नामांकन होगा। और सभी नामांकन में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। पार्टी इस कार्यक्रम को ग्रैंड बनाना चाहती है, क्योंकि नामांकन से भी एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश जाता है। पार्टी पहली बार, चूंकि इस बार इलेक्शन कमीशन ने व्यवस्था की कि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो ऑनलाइन भी आवेदन करे, इसकी शुरुआत हरिद्वार लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत वो करने जा रहे हैं, वो ऑनलाइन नामांकन करेंगे। हालांकि इसके बाद उनका एक रोड शो जुलूस रूप में भी निकलेगा, तो एक प्रतीकात्मक एक संदेश भी पार्टी दे रही है कि जो ऑनलाइन डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से भारत बढ़ रहा है, उसमें पार्टी भी अपना इस रोल में, इस रूप में अपना जो रोल है वो अदा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि पार्टी ने तमाम तैयारियां हो कर ली हैं, और अब जिस तरह से आपने जिक्र किया, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निश्चित ही चुनावी तैयारियों में लगातार बीजेपी जुटी हुई थी, और मीडिया सेंटर खुलने से अब मीडिया गतिविधियां जो रहेंगी पार्टी की और चुनाव को लेकर, उस पर भी नजरें रखी जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।